Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive Podcast, our weekly gupshup ka session where we talk about new things, thode se newsy, thode se featureish, thodi si wo baatcheet jisme mudda zaruri nahi ki bilkul hot topic par ho, but aapsi baatcheet mein kya kya aapke reaction aa rahe hain aur kya main soch raha hu, ye sab hum log share karte hain. Aur aaj jo sharing hai wo to hai 7 seater SUVs ke bare mein, because I think 2021 is going to be the year of 7-seater SUVs. और इसके पीछे वजह क्या है वो तो आप समझ चुके होंगे if you have followed our videos इस पूरे हफ्ते. सबसे ज़्यादा discussion तो Hyundai की Alcazar के ऊपर ही हुआ जो इस महीने आने वाली है. उसके launch से पहले के premiere event पर हम गए थे, वहाँ से हमने social media posts भी किए plus एक walkabout भी किया जो camouflage अवतार के साथ एक छोटी सी drive पर भी गए, वो भी काफ़ी छोटी सी थी. तो एक overall first impression के तौर पर video हमने डाला था, उस पर काफी सारे रिएक्शन आए थे. इसके अलावा एक और न्यूज आ गई, वो थी महिंद्रा की, जो XUV500 की जगह अब XUV700 सीधी छलांग यहां पर लगाई है इस SUV ने, जिसे ग्लोबल SUV महिंद्रा कह रही है. और उसके ऊपर भी हमने एक न्यूज वीडियो किया था. दैट इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस आर डिस्कसिंग. प्लस दो तीन ऐसी खबरें हैं जिसके बारे में काफी डिस्कशन हमने हाल फिलहाल में अगर इंटरनेट के ऊपर देखें तो चल रहा है. चाहे वो रेनो की जो डस्टर का 7-seater वर्जन टेस्ट चल रहा है, वो एक स्पाइपिक यूरोप से आई है और वो काफी डिस्कशन का पॉइंट अच्छा लेकर आई है, जिसके ऊपर सभी अब सोच रहे हैं शायद अब डस्टर का एक नया अवतार उसमें देखने को मिले. प्लस सोनेट के साउथ ईस्ट एशिया में जब 7-seater वर्जन के लॉन्च होने की अनवेल होने की बात थी तो वहां पर भी काफी उसको लेकर डिस्कशन हमने देखा. और इंडिया में तो हमें लगा कि इंडिया में ही लॉन्च हो रही है, इतनी जोर शोर से वो खबरें हमारे सामने आई. प्लस कुछ एक खबरें फोर्ड के 7-seater पर भी थी. तो दैट इज द रीजन, ये है बेसिस इस पॉडकास्ट का कि कैसे 2021 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ 7-seater SUVs टू बी स्पेसिफिक. क्योंकि यहाँ जो कहानी अल्काज़ार से शुरू हो रही है जिसे कंपनी कह रही है 7-seater SUV, वहीं XUV700 भी उसी कैटेगरी में आती है. बट इससे पहले हमने टाटा की सफारी भी देखी है और उससे पहले जो हेक्टर प्लस थी वो भी देखी है. तो उनसे भी गाड़ियों पर आएंगे. बट लेट्स टॉक अबाउट योर रिएक्शन, क्योंकि पॉडकास्ट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज आर डायलॉग, दिस नॉट समथिंग जो मैं केवल न्यूज़ या रिव्यूज नहीं दे रहा हूँ अपनी तरफ से. आप क्या सोच रहे हैं वो भी मैं शोकेस करना चाहता हूँ पॉडकास्ट में. और यहाँ जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन फिलहाल अल्काज़ार पर ही था तो वहाँ कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल या ऑब्जर्वेशन आए. जैसे सैम ने लिखा है कि लुक्स उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगे हैं, बट एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू द प्राइसिंग. और वो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, बिकॉज वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ज़रूर होगा इसके लिए. जहाँ क्रेटा जो हैरियर या हेक्टर से थोड़ी छोटी गाड़ी वाले सेगमेंट में मानी जा रही थी, अचानक विद दिस एक्सटेंशन अब अल्काज़ार रूप में जब आ रही है, दैट अवतार इज एक्चुअली लॉन्गर. और व्हील बेस अगर हम देखें तो वो सफारी से ज़्यादा लंबी व्हील बेस भी आपको नज़र आ रही है. वहीं थर्ड रो में स्पेस को भी मैं एडिक्वेट कहूँगा. तो ये एक बहुत ही ज़ोरदार प्रोडक्ट हो जाएगा. बट द काइंड ऑफ अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज वी हैव सीन फ्रॉम ह्यूंडई, आई होप कि वो बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर कार आए, जिससे कि एक नए तरह का सेगमेंट खुले. बिकॉज द सेगमेंट विच वी आर सीइंग, चाहे वो हेक्टर प्लस का हो या सफारी का हो, नंबर्स के मामले में बहुत बड़ा नहीं है. तो अगर नंबर्स के मामले में कमाल करना है ह्यूंडई को तो प्राइसिंग तो उन्हें काफ़ी अग्रेसिव जरूर रखनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है कि कस्टमर्स को पसंद भी बात आएगी. वहीं बिश्नु का सवाल था कि उन्होंने डीजल वाला जो वर्जन है उसमें 2-liter डीजल वर्जन क्यों नहीं दिया है, यहाँ पर 1.5 ही क्यों दिया है. तो यहाँ मोर और लेस जो हम मार्केट का टिल्ट अब देख रहे हैं, पेट्रोल की तरफ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं. और आई गेस दैट इज़ वाई दे वर्कड, दे फोकस्ड ऑन अ न्यू मोर पावरफुल पेट्रोल इंजन इन दिस अल्काज़ार. तो वो एक इंटरेस्टिंग बिट जरूर होगा, जिसे लंबी दूरी पर हम चलाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस हम जरूर नापेंगे. वहीं एक और इंटरेस्टिंग कॉमेंट आया था नेव की तरफ से, जो कह रहे थे सफारी की किस्मत खराब है. तो आई डोंट थिंक कि सफारी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि शायद एक वो सेगमेंट जहाँ 11-12 से लेके 15-16 के बीच में जो सेगमेंट खाली पड़ा है, आई गेस ह्यूंडई उसे बहुत ही शार्पली एड्रेस करना चाहेगी, अटैक करना चाहेगी. तो लेट्स सी किस तरह की प्राइसिंग इस अल्काज़ार की आती है, और उसके बाद हम आपके कमेंट के ऊपर शायद कमेंट कर पाएंगे कि वाकई सबसे ज़्यादा असर क्या सफारी पर ही पड़ रहा है या नहीं. क्योंकि वहाँ पर हेक्टर प्लस का भी जो परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी अच्छा नंबर्स के मामले में चल रहा है. अब बढ़ते हैं आगे, जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक बार फिर से, इफ़ यू रिमेंबर, एक बार मैंने स्टोरी शायद की थी
कि शायद महिंद्रा थार जो है वो सबसे ज़्यादा देखने वाली स्पाई पिक्स में आने वाली गाड़ी है, और आई गेस महिंद्रा की गाड़ियों के साथ ये एक ट्रेडिशन बन गया है, एंड दैट इज़ वाई एक्सयूवी और स्कॉर्पियो के टेस्टिंग के स्पाई पिक्स की तो बाढ़ है, इतनी सारी गाड़ियाँ इतनी बार उनके स्पाई पिक्स हमने देखे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि लगातार उसे एक्सयूवी 500 के तौर पर पेश किया जा रहा था, हायर अपग्रेडेड प्रीमियम वर्जन ऑफ XUV 500, लेकिन कंपनी ने अब ऐलान कर दिया है कि जो सेकेंड क्वार्टर में FY22 के सेकेंड क्वार्टर में जो एक ग्लोबल SUV कंपनी लेकर आ रही है वो XUV700 कहलाएगी, एंड दैट विल मेक दिस सेगमेंट रियली रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो स्पाई पिक्स में फीचर्स देखने को मिल रहा है वो बता रहे हैं कि फीचर्स के मामले में गाड़ी लोडेड होगी। थार में जो हमने इम्प्रूवमेंट देखे हैं उस हिसाब से ये ज़रूर लग रहा है कि XUV500 को अगर आगे नेक्स्ट लेवल पर कंपनी लेके जा रही है, जिसके बारे में कह रही है कि साईफाई लेवल फीचर्स लगे हैं, तो आई एम श्योर इंप्रेसिव फीचर्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास सेफ्टी की भी कंपनी ने बात की, तो आई गेस XUV700 काफी ठोस काफी सॉलिड पैकेज के तौर पर हम XUV700 को देखेंगे, एंड लेट्स सी अगर कंपनी 500 से सीधे 700 के ऊपर जंप कर रही है तो प्राइसिंग के मामले में कहानी कहाँ जाकर टिकेगी, बिंदु कहाँ जाकर विश्राम करेगी, और वहाँ अगर प्राइसिंग थोड़ी प्रीमियम रही तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ उतना हल्ला मचेगा कि नहीं जितना हमने उसके नाम के साथ देखा या फिर उसके स्पाई पिक्स के साथ देखा है। सो उसकी भी प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस सेगमेंट में ऑप्शंस अब पहले से कहीं ज़्यादा हो गए हैं। वहीं दो और खबरें थी जिसको लेकर काफ़ी इंटरेस्ट था लोगों में, एक के बारे में तो मैंने सवाल भी पूछा था Hyundai से, बिकॉज सोनेट का 7-सीटर वर्जन हमने हाल में उसकी खबर देखी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया में ही लॉन्च हो रही है, लेकिन इंडिया में वो लॉन्च नहीं हो रही थी। कंपनी ने साफ किया कि दिस इज फॉर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट, और वहाँ इंडोनेशिया में उसको अनवेल किया गया, और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है क्योंकि इंडिया में ही प्रोड्यूस सोनेट होती है एक्सपोर्ट होने के लिए वहाँ पर, और जो 7-सीटर वर्जन है वो यहीं से बनकर जब जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी सोच होगी क्या इंडिया में भी कंपनी लेकर आएगी। तो फिलहाल कंपनी थोड़े से प्रीमियम मार्केट या प्रीमियम सेगमेंट की तरफ खेलना चाहती है, दे डोंट वांट टू कम्पीट एग्जैक्टली जैसा कि Hyundai का मार्केट सेगमेंट है, और ये बार बार उनके ब्रीफिंग में था, इसी वजह से मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं सोनेट 7-सीटर ये तुरंत इंडिया में लॉन्च होगी कि नहीं, क्योंकि कंपनी की स्ट्रैटेजी अभी तक जो स्टेटमेंट आया था वो उसी हिसाब से आया था कि वो थोड़े से प्रीमियम थोड़े से बड़े वाले सेगमेंट में खेलना चाहते हैं। सो आई अज्यूम कि मामला अगर होगा तो पहले सेल्टोस वाले लेवल पे होगा सोनेट के मुकाबले इंडिया में, बट लेट्स सी जब बनी रही है तो क्या पता यहाँ पे भी आई जाए लॉन्च हो जाए, बट कंपनी ने तो मना किया है ऑफिशियली। इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग हमने विजुअल देखा था या फिर स्पाइपिक देखी थी जिसके बारे में काफ़ी इंटरनेट चैटर देखने को मिल रहा है, और वो है डस्टर का 7-सीटर वर्जन, जो डाचिया या डासिया का जो डस्टर 7-सीटर वर्जन के इमेजेस यूरोप से निकल कर आए हैं, जो इंडिया में रेनॉ डस्टर के तौर पर हम जिसे जानते हैं, उसका 7-सीटर वर्जन भी बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज हो सकता है अगर हम उस सेगमेंट में देखें, बिकॉज डस्टर तो सॉलिड प्रोडक्ट है, फीचर्स के मामले में आउटडेटेड उसमें अंदर फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस और प्राइस बैंड जब से आई थी तब से एक ठीक ठाक सॉलिड उसका प्रोपोजिशन ज़रूर आया। अगर वो नई होती है, फीचर्स नए आते हैं और 7-सीटर अवतार में गाड़ी आती है, आई एम श्योर एक नया चैप्टर जरूर लिख सकती है वो रेनॉ के लिए। अब इस तरह की बातचीत चल ही रही थी तो एक ही सवाल शायद बचा था कि फोर्ड की 7-सीटर का क्या होगा, जो हम सुन रहे थे लगातार कि जब से जॉइंट वेंचर हुआ था महिंद्रा के साथ तब से खबरें आने लगी थी कि 7-सीटर फोर्ड आएगी, तो उसके बारे में भी बस कयास ही लगाए जा रहे हैं, आई एम नॉट टू श्योर, बहुत ठोस जानकारी उसके बारे में नहीं है, बट अगर जो भी जानकारी आती है हम उसको आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इन सब के बाद एक ज़रूर मैं कह सकता हूँ फिर से कि वही कि 2021 में हम 7-सीटर वर्जन्स का जो गेम है वो काफ़ी ऊपर जाते हुए उसमें देखेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि कोई भी मैन्युफैक्चरर इसे MPV या पीपल मूवर वाले रूट से तो टच भी नहीं कर रहा है, एवरीवन इज यू नो ट्राइंग टू राइड ऑन दैट SUV वाला वेव, और SUV वेव पर ही उनके 7-सीटर वर्जन्स आ रहे हैं। अभी तक इंडियन मार्केट में बहुत कम थे, इस साल बहुत सारे आने वाले हैं, एंड आई वुड लव टू नो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसेस तो इनके उस वर्जन में बढ़ेंगे ही, इंडियन मार्केट बूम कर ही रहा है, इंडियन जो लोग हैं इंडियन फैमिलीज हैं क्या अब पहले से ज़्यादा 7-सीटर के लिए वो तैयार हैं, दे वांट गो फॉर दैट, वुड यू लाइक टू गो फॉर 7-सीटर वर्जन मोर देन द 5-सीटर वर्जन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा हमारा जो वेबसाइट है वो भी जरूर विजिट कीजिए timesdrive.in, यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। फिलहाल बाय तथा बाय।